दोस्तों, सोशल साइंस का पेपर मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ और मैथ का एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए। आज ये मैथमेटिक्स का 9th क्लास का पेपर अपलोड कर रहा हूँ और ये लास्ट ईयर का गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है, ना तो कोई DPS का पेपर है और ना ही KVS का पेपर है। ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स का पेपर है, तो आप इसे देखिए और इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट ईयर काफ़ी ईजी पेपर था, जरूरी नहीं कि इतना ईजी पेपर आए, थोड़ा टफ भी हो सकता है, तो इसलिए ट्राई कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए। हमेशा जितना एग्जाम में उम्मीद होती है उससे ज़्यादा ही तैयारी करनी चाहिए, तभी एग्जाम में मार्क्स आते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि पेपर देख के आप बोलेंगे कि टफ ईजी है तो बस ऐसा ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बट हाँ, पेपर का लेवल ऐसा है, पिछले 2 सालों से तो नॉर्मल पेपर ही आ रहा है, तो ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं, बट तैयारी कीजिए। और अब बहुत जल्दी ही लगातार, क्योंकि 10th क्लास में तुमने काफ़ी सारी वीडियो डाल दी, पॉलिटेक्निक की वीडियो आ रही है, अब 9th क्लास की वीडियोज भी लगातार मैथ्स की आएंगी। ओके, बाकी पेपर से मैं धीरे धीरे डाल ही रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है तो टाइम थोड़ा लग जाता है। 80 मार्क्स का पेपर आता है ये तो आपको पता है, बाकी सेक्शन वाइज मार्क्स दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। 3 आवर्स का पेपर होगा। पहला क्वेश्चन था, राइट द हीरोज फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर AP C। हीरोज फार्मूला लिखना था, ये 12th चैप्टर का क्वेश्चन है और आपको आता होगा इसका फार्मूला। जब हीरोज फार्मूला एरिया का फॉर्मूला लिखना था, अगर उसमें एस भी निकालते हैं तो एस निकालने का फॉर्मूला A+B+C/2 होता है, और उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस, फिर ब्रैकेट में S-A, फिर S-B और S-C। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ अ कोन एंड अ सिलेंडर हुज बेस डायमीटर एंड हाइट्स आर इक्वल। काफ़ी जी था, फॉर्मूला लगाना था बस। इन दोनों के बीच में दो अपरिमेय संख्या बतानी थी, दो इरेशनल नंबर्स। ट्राई करना, हो जाएगा। इज P 0.7 एंड Q 7.0 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, क्या ये सेम पॉइंट पर रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप इसे ग्राफ पे बना के जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेम पॉइंट पे है या नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें 0 है, वाई की वैल्यू 7 है, या एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट तो सेम नहीं होगा। आप बना के देख लेना, पता चल जाएगा आपको अच्छे से। और फिफ्थ है, इस समीकरण के कितने हल होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर इक्वेशन y=x+2, कितने सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, सॉल्यूशन तो हो रहे हुए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी आपको, क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू। आपको पता है कि ये सीधी एल जो है एक सीधी रेखा है, सीधी स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180, ये 80, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, आप सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा, और एक्स 100, और ये पता है आपको ये 80 है, तो आमने सामने वाले बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वाई भी वाई कितना होगा 80, एक्स 100 और वाई 80। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन में सर्कल दिया हुआ था और वैल्यू दे रखी थी, AOC 130 डिग्री था, ABC निकालना था, ABC। तो ये 10th सर्कल चैप्टर का है जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, और 10th सर्कल चैप्टर से मैंने पॉलिटेक्निक की वीडियो लाइव सेशन 1 घंटे का किया है, जिसमें लाइव सेशन में मैथ्स सिखाया है मैंने सर्कल का, तो आप उसे भी देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, बट वहाँ थोड़ा शॉर्ट में ये 130 है, तो अगर आप ये बाहर वाला निकालेंगे, क्योंकि टोटल एक सर्कल बनेगा तो 360 होता है, तो बाहर वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 360 में से वो 130 माइनस कर देंगे तो 230 होगा ये। ओके, और 230, अब ये जो होता है ना आर्क पे जो बना हुआ एंगल होता है वो सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है, तो ये 230 होगा, तो ये कितना होगा, 115 हो जाएगा ABC। या फिर आप ये निकाल लीजिए, ये यहाँ पे एक मेजर आर्क में भी एक एंगल बना लीजिए, और यहाँ पे जो एंगल होगा इस, ये 130 है तो ऊपर वाला 65 होगा, इसका हाफ होगा, और ये और आमने सामने वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों का सम 180 होता है, ये 65 होगा तो ये 115 होगा, 115। 10th चैप्टर सर्कल की पूरी वीडियो डालने वाला हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन में डालने वाला हूँ, उसके बाद फिर बाकी चैप्टर्स देखेंगे। फर्स्ट में मैंने काफ़ी कुछ अपलोड किया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इजी क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू एक बार 0 इसमें पुट सब्सटीट्यूट करनी है, और एक बार एक्स की वैल्यू 2, दो बार सॉल्व करना है। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे वन देखा, ध्यान रखना इसमें कंबाइंड पूरी बुक आती है, होल बुक का सिलेबस आता है 9th क्लास में, तो इसलिए आपको ऐसे वन के क्वेश्चन भी दिख रहे हैं और ऐसे टू के क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। अभी एक्स की वैल्यू यहाँ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ये 50, तो एक्स की वैल्यू 130 आ जाएगी, ये 130 तो ये भी 130, आप वर्टिकल अपोजिट एंगल, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस करना था।
तो ट्राइंगल होगा, यहाँ पे ध्यान रखना एंगल गलत छपा हुआ था पेपर में, मिस्टेक्स आते हैं पेपर में भी, इंग्लिश में सही छपा हुआ, इंग्लिश में ट्राइंगल लिखा हुआ है। ये आसान सा क्वेश्चन है, कहीं चार प्रकार के चतुर्भुज के नाम लिखे, जो कार्ड लेटर है उनके चार टाइप्स लिखने थे, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, और भी कोई भी लिख सकते हो आप। ये भी बुक का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी हो जाएगा, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी निकालनी और इजी है क्वेश्चन, कि एक मौसम विज्ञान केंद्र है का पिछले लगातार 250 दिनों का रिकॉर्ड बताता है कि केंद्र द्वारा पूर्वानुमानित मौसम की भविष्यवाणी 175 बार सही पाई गई है, तो किसी भी नियत दिन पर सही भविष्यवाणी, तो कितना 175 सही है और 250 टोटल में से, तो 175 अपॉन में 250 कर देंगे सॉल्व, तो आंसर आ जाएगा। और भविष्यवाणी ना सही होने वाले दिनों की प्रायिकता, तो 175 बार, 175 बार सही है 250 में से, तो इसका मतलब 75 बार सही नहीं होगी, इसमें से माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर अगले सेकंड पार्ट का क्या होगा, 75 अपॉन 250। ओके, जितना होता है वो ऊपर और टोटल में से जितना भी होता है वो नीचे, तो टोटल नीचे। प्रोबेबिलिटी का मैंने एक चैप्टर डाल रखा है 10th क्लास का, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं किए हुए, 10th क्लास के नाम से डाला हुआ है वो, या फिर सिर्फ वैसे नॉर्मली जनरल क्वेश्चन डाले हुए मैंने, क्योंकि 9th और 10th में प्रोबेबिलिटी में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, तो आप उसे देख के सीख सकते हैं। डाइस वाले क्वेश्चन डाले हुए हैं, कार्ड वाले, और ये एक्सप्रेस 1.27 और 27 के ऊपर बार लगा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। इसका मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर रखा, बट मैं जल्दी ही कर दूंगा, इसका मैं ट्रिक भी अपलोड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों को, 2-4 दिन में। और ये तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन था, आसान था, इसमें 100+4 हो जाएगा, ऊपर होल पावर 3 है यानी क्यूब, तो ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वास्तव में घनों का प्रश्न, ये भी इजी क्वेश्चन है, जब भी ध्यान रखना ए की वैल्यू -12 हो गई, बी 7 और सी 5। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल्स टू 3ABC होता है हमेशा, तो आप ये चेक करोगे तो पहले 0 आएगा, क्योंकि -12 और ये दोनों मिलकर +12 तो 0 बन जाएगा, तो उस केस में फिर आप 3ABC बस लगा लीजिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू, क्योंकि ये फॉर्म तो हमारे पास है, तो इक्वल टू में 3ABC, 3 × -12 × 7 × 5 करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बुक का, ये क्वाड्रेंट के नाम बताने, और ये बहुत ईजी, आप समझ सकते हैं आसानी से, ये हो जाएगा। ये थ्योरम SA1 में भी आई थी और SA2 में भी आएगी इस साल भी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, प्रूव करके दिखाना है इसका प्रूफ, अगर आपको आता हो तो ठीक है, नहीं तो बता देना, मैं सिंपल सा सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा, वीडियो पे अपलोड कर दूंगा अलग से एक वीडियो बनाकर इसकी। और दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु, ये बुक का क्वेश्चन है और थ्योरम भी है, ये भी ईजी है, ध्यान रखना SA1 का मैंने बहुत सारी वीडियो डाल भी रखी है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी इतनी है कि काफ़ी कुछ है, जो क्योंकि सारे NCERT पूरा सॉल्यूशन नहीं अपलोड करता मैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा पढ़ा हुआ है पहले से, आप लोग स्कूल में भी सीखते हैं, वो क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है और थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाहे बुक के ही हो, तो उन्हें मैं अपलोड करता हूँ ताकि उसमें हेल्प मिल सके, तो इसलिए जो आपको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके बताया करो, ताकि मैं उसकी वीडियोज बना सकूँ। ओके, ये 18th क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ 3 हल निकालने थे, कोई 3 सॉल्यूशंस, तो आप एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, कुछ भी जो मन करे, 0, 1, 2, 3 जो मन करे वो कुछ भी आंसर आ जाएगा आपका। पाई की वैल्यू नहीं रखनी, पाई को पाई के फॉर्म में छोड़ देना, क्योंकि पाई का ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है। और 19th क्वेश्चन जो है, ये थ्योरम आपके बुक में 10th चैप्टर में 10.8 थ्योरम है, और ये 100% हर बार ही आती है, आप किसी साल के भी अभी एग्जाम उठा के देख लीजिए, हर बार आती है, तो इसको तो आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। प्रूव दैट इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ओके, 10th चैप्टर में 2-3 थ्योरम ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हर बार उनमें से एक आती है। ओके, बहुत जल्दी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी हिंदी मीडियम में भी अपलोड करने वाला हूँ, इंग्लिश में कर रखा है मैंने SA1 का, बट अब मैं पूरा अपलोड कर दूंगा। ओके, SA1 SA2 दोनों अपलोड कर रखा है, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर देखा करो, कोई भी वीडियो देखनी हो प्ले लिस्ट में देखा करो। और उसके बाद इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेज़ियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक, ये भी क्वेश्चन लीजिए। और ये 20 क्वेश्चन इस टाइप के जो अभी कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है उसके वीडियो में डालने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आता भी है 11.2 का क्वेश्चन है, 11.2 में 5 क्वेश्चन है और 5 में से 1 या 2 तो 100% आते हैं हर बार।
ये 12th चैप्टर क्वेश्चन है, हीरोज फार्मूला, और ईजी है, एस ए वन में भी इस साल आया है, बस वैल्यू चेंज कर रखी थी। ट्वेंटी फर्स्ट ये आपका मेंसुरेशन शुरू हो गया, 13th चैप्टर। मेंसुरेशन की वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, लेकिन मेंसुरेशन में मैं 9th और 10th का अलग अलग नहीं, मैं टॉपिक वाइज अपलोड करूंगा ताकि आपको टॉपिक्स फॉर्मूले सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ वो, क्योंकि 9th और 10th में जो भी सेम है वो अपने आप सॉल्व कर लो, चाहे वो आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, चाहे वो सर्कल हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, अदरवाइज सिलेंडर भी है, कोन भी है, तो सारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो जनरल क्वेश्चन, जनरल तरीके, जनरल फार्मूलेज, वो चीज़ें, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। मेंसुरेशन पे दो 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 सौ क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, आपको आरडी सर में मिल जाएंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन थोड़ी ना किए जा सकते, बट ये है कि आपको टाइप समझाया जाए कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, तो वो फिर आप खुद कर पाओ। ठीक है, मेरा टारगेट ये नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाँ कोई स्पेशल क्वेश्चन होगा तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अलग से दिया जाता है, चिंता ना करो। इसमें मीन मीडियन मोड निकालना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो मीन मीडियन मोड आपको आना चाहिए। ओके, नहीं आता तो बता देना, इसका सॉल्यूशन भी मैं जल्दी ही एक से दो वीडियो में अपलोड कर दूंगा, मीन मीडियन मोड चाहे प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है बता देना। ओके, बट एक से एट अ टाइम मांगोगे तो एट अ टाइम नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है मे भी, क्योंकि टाइम भी नहीं होता और काम भी करना होता है, क्योंकि आपके लिए तो वीडियो को अपलोड करना लगता है आसान, लेकिन वीडियो शूट करने में टाइम लगता है, तो वीडियो शूटिंग में प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, टाइम ही नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं। देखो आगे, ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, ये सारे बुक के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के सेम क्वेश्चंस। ये भी आपका बुक का ही जिसमें चॉइस थी, ट्वेंटी फोर फर्स्ट टर्म का है, एसए वन का जो है, और फर्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन रेशनलाइजेशन करना है, इजी हो जाएगा, रेशनलाइजेशन करके कर सकते हो। और 25 दर्शाई की समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये आपका आई थिंक 7th चैप्टर का क्वेश्चन है। 26 फैक्टराइजेशन करना, इजी है, हो जाएगा, आता होगा आप लोगों को, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आता होगा ये, और फिर भी नहीं आता होगा तो देखेंगे कुछ सॉल्यूशन करेंगे, आप बता देना मुझे। सानिया के पास एक समचतुर्भुज के आकार का एक जमीन का टुकड़ा है, वह इसे अपने पुत्र और पुत्री दो बराबर हिस्सों में बांटना चाहती है, यदि जमीन का परिमाप 400 मीटर है तो इसका एक विकर्ण इतना है, तो अब तो आपको क्या बना लेना है, एक रोम्बस बना लेना है समचतुर्भुज, और पैरीमीटर दे रखा है 400, इसका मतलब क्या होगा, साइड सारी 100 100 होगी, क्योंकि 4 × साइड से पैरीमीटर निकलता है, तो 400 है तो साइड की वैल्यू 100 आ जाएगी, डायगनल दे रखा है 160, एक डायगनल दो, ओके, तो उसके बाद अब सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि पाइथागोरस लगाएंगे ना आप, तो दूसरे डायगनल की वैल्यू भी निकल जाएगी, उसके बाद आपको फार्मूला आता लगाना, कौन सा 1/2 d1 × d2 फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, या फिर रोम्बस का फार्मूला एरिया होता है बेस इंटू हाइट, उससे भी आ सकता है, बट हाइट निकालने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप 1/2 d1 × d2 फार्मूला लगाएं। और ये पूछा गया सेकेंड पार्ट कि व्हाट ह्यूमन वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय सानिया, सानिया द्वारा किन मानव मूल्य को, इस टाइप के क्वेश्चन इस साल से नहीं आएंगे क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। ओके, और ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आप इसे मेंसुरेशन समझ लीजिए या फिर ऐसे हीरोन फार्मूला के, हीरोन फार्मूले से भी सो हो जाएगा सॉल्व ये। जहाँ पे आपको लगे कि वीडियो फास्ट हो गई पॉज करके तब पढ़ लेना आराम से, और बाकी और सब और जो पेपर्स हैं इंग्लिश के हो गए चाहे साइंस के हो गए, जो बचे हुए अभी हैं, संस्कृत का भी पेपर है मेरे पास, हिंदी का भी पेपर है, तो मैं सारे धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, एक ही दिन सारा अपलोड कर भी नहीं सकते, क्योंकि ना तो आप देख सकते हैं और ना अच्छा रहेगा, एक एक करके देखते जाए, उसके बाद फिर अगले पेपर को लेके आएंगे। फिर एक इक्वेशन, ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, वन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना था ग्राफ को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, 9th चैप्टर का 9.3 का क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक ट्रायंगल बनाना है, उसके मिड पॉइंट्स चार, तीन पॉइंट्स लेने हैं, डी ई एफ, एक ए बी साइड पे, एक बी सी पर, ए सी पे, उसके बाद प्रूफ करना है कि जो बीच में जो ट्रायंगल है डी ई एफ वो ओवरऑल ट्रायंगल ए बी सी का 1/4 पार्ट है।
वन बाई फोर्थ प्रूफ करना ना। हाँ यस, फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये आपके 8th चैप्टर का क्वेश्चन है जो चॉइस में है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, होपफुली आपने 8.2 का रखा होगा, 8.2 का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये आपका स्टैटिक्स का है, और ये बुक का सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। एक बार इसका हिस्टोग्राम बनाना है, और एक बार जो क्वेश्चन पूछा है कितने बल्बों की जीवन समय अवधि 700 घंटे से अधिक है, तो 700 वाला ये रहा ना, 700 से यहाँ पे कितना होगा, 699 तक होगा, 700 से यहाँ से स्टार्ट हुए, तो लास्ट के जो तीन नंबर 74, 62 और 48 को ऐड करेंगे तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके चलिए मिलते फिर अगली वीडियो में, आज के लिए पेपर देखिए, इंजॉय कीजिए, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर और पेपर के साथ, और बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए, सीखते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर करना मत भूलिएगा, और पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए।